ये स्वतंत्रता दिवस 2024 की तैयारी चल रही है और गांधी मैदान पटना में जो मुख्य कार्यक्रम होता है राज्य स्तर का, और इसमें सभी विशिष्ट अति विशिष्ट लोग जो है शामिल होते हैं, जिसमें कार्यपालिका के लोग भी, विधायिका के लोग भी और न्यायपालिका के लोग भी शामिल होते हैं। ये स्वतंत्रता दिवस 2024 की तैयारी चल रही है और गांधी मैदान पटना में जो मुख्य कार्यक्रम होता है राज्य स्तर का, माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा झंडोत्तोलन किया जाता है, परेड की सलामी ली जाती है और इसमें सभी विशिष्ट अति विशिष्ट लोग जो है शामिल होते हैं, जिसमें कार्यपालिका के लोग भी, विधायिका के लोग भी और न्यायपालिका के लोग भी शामिल होते हैं, और बड़ी संख्या में दर्शक भी आते हैं इसमें, तो उन सभी के लिए इंतजाम किया जा रहा है। उसी का आज हम लोगों ने तैयारी का निरीक्षण किया है। परेड की तैयारी लगभग हम लोगों की हो गई है और उसका रिहर्सल भी चल रहा है। हम लोग उसका फाइनल जो रिहर्सल होगा वो 13 तारीख को करेंगे सुबह रियल टाइम में, और उसके अलावा जो दीर्घा बन रही है अति विशिष्ट दीर्घा और दर्शक दीर्घा, उस पर भी काम तेज़ी से चल रहा है। बरसात को देखते हुए हम लोग जितना इंतजाम हो रहा है सब वाटरप्रूफ इंतजाम कर रहे हैं, ताकि किसी प्रकार की भगदड़ जैसी स्थिति नहीं हो, तो लोग सुरक्षित बैठ करके देख सकें पूरे कार्यक्रम को। और अभी 13 झांकी जो है अनुमोदित हुई है राज्य स्तर से, जिसका प्रदर्शन यहाँ पर किया जाएगा, और जो परेड है उसमें लगभग 19 हम लोगों के टुकड़ियाँ शामिल हैं, जिनके द्वारा की जो है वो कार्यक्रम संचालित किया जाएगा। तो कुल मिलाकर के तैयारी अच्छी चल रही है और पुख्ता इंतजाम सुरक्षा का भी रहेगा और CCTV कैमरे से भी हम लोग निगरानी करेंगे। बाकी गेट नंबर 1 और गेट नंबर 10 से विशिष्ट या अति विशिष्ट लोगों का प्रवेश का रखा गया है, और बाकी गेट नंबर 9 जो है उससे मीडिया कर्मी जो है उनका प्रवेश का रखा गया है, और आम लोगों का प्रवेश जो है वो गेट नंबर 4, 5, 6 और 7 से होगा। 8 से गेट नंबर 8 से झांकी जो है वो बन रही है वहाँ, और वो निकलेंगी। आप लोगों के माध्यम से हम सबको सूचना भी ये देना चाह रहे थे। तैयारी अच्छी चल रही है, हम लोग लगातार इसकी मॉनिटरिंग करेंगे। ट्रैफिक मैनेजमेंट की अगर बात की जाए तो गांधी मैदान से, हाँ उस दिन गांधी मैदान के चारों तरफ हम लोग ट्रैफिक को डाइवर्ट करते हैं और उसकी सूचना भी हम लोग प्रकाशित करते हैं कि कहाँ कहाँ से डाइवर्ट हुआ अखबारों में।